हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो अभी हम बिजनेस एथिक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस का सेकंड यूनिट कवर करने वाले हैं। जो भी मैंने ये पिंक से हेडिंग्स लिखी हुई हैं, ये सारे सिलेबस के टॉपिक्स हैं जो हमें मतलब ओवरव्यू सा लेना है कि क्या चीजें हैं ताकि एग्जाम में हम अटेम्प्ट कर पाए। ठीक है, तो मैं पहले ही आपको बता देती हूँ कि जो भी ये पिंक से मैंने हेडिंग्स लिखी होती हैं, ये आपके सिलेबस के टॉपिक्स हैं। तो अभी हमने बिजनेस एथिक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जो डेफिनेशन थी वो लास्ट यूनिट में देख ली थी। तो अभी हम इसके इश्यूज वगैरह थोड़े देखेंगे कि जब भी हम एथिक्स की बात करते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज आती हैं या कुछ एथिकल इश्यूज आते हैं, उनके बारे में जानेंगे और क्या क्या डिसीजन मेकिंग्स में कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं फ्रॉम एथिकल एंड इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, वो जानेंगे। एथिकल डिलेमा क्या होता है वो जानेंगे और एथिकल डिलेमा को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये एक टॉपिक है हमारा छोटा सा। और मैनेजरियल इंटीग्रिटी एंड डिसीजन मेकिंग क्या होती है ये हम जानेंगे। थोड़ा सा पहले ओवरव्यू दे दिया कि क्या हमारे टॉपिक्स है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एथिकल इश्यूज और क्या कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं डिसीजन मेकिंग में फ्रॉम एथिकल एंड इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, एथिकल डिलेमा क्या होता है उसको कैसे सॉल्व करेंगे, मैनेजरियल इंटीग्रिटी एंड डिसीजन मेकिंग। तो फर्स्ट टॉपिक है एथिकल इश्यूज क्या होते हैं और क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं ये जानते हैं। देखो, एथिकल इश्यूज क्या होता है, आपको पता है कि जब भी हम एथिक्स की बात करते हैं बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। ठीक है, सो एथिकल इश्यूज आर कम्प्लेक्स एंड चैलेंजिंग टू नेविगेट। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारी कंसिडरेशन हमें करनी पड़ती है, बहुत सारे फैक्टर्स को हमें कंसिडर करके चलना पड़ता है, क्योंकि देखो जो हर एक बंदा है, हर एक बंदे की जो जजमेंट होगी वो अलग होगी। तो सब्जेक्टिव जजमेंट हो सकती है, अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, बहुत सारी नॉर्म्स चेंज हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। सो क्या क्या कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं डिसीजन मेकिंग में अगर हम एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, उन दोनों में कन्फ्लिक्ट हो सकता है कि कोई चीज एथिकल है पर इकोनॉमिकल नहीं है, तो ऑब्वियसली कन्फ्लिक्ट आएगा ना। तो एथिक्स और इकोनॉमिक्स के बीच में क्या हो सकता है, कन्फ्लिक्ट हो सकता है। इतना क्लियर हुआ? तो कन्फ्लिक्ट आएगा एथिकल और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू में कि कोई चीज ऐसी होगी कि एथिकली वो चीज सही होगी पर इकोनॉमिकली कंपनी को फायदा ना करे, या कोई चीज ऐसी होगी जो एथिकली गलत होगी और कंपनी को इकोनॉमिकली फायदा करे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स मेंशन करी है। सबसे पहले है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स, कि आप वर्कर्स को बहुत कम पैसे दे रहे हो। अगर हम कंपनी एंड से सोचे, कंपनी को तो इकोनॉमिकली पैसों के मामले में फायदा ही हो रहा है, बट एथिकली वो चीज गलत है यार, तुम उनका हक मार रहे हो। सो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स होगी। वैसे इन्वायरमेंटल इंपैक्ट हो गया कि इन्वायरमेंटल के लिए नुकसान हो रहा है पर आपका कम खर्चा लग रहा है, तो वो एथिकली रॉन्ग हो गया, क्योंकि आपको नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी यूज करने चाहिए और ऐसी चीजें यूज करनी चाहिए जिनका एनवायरनमेंट पे नेगेटिव इफेक्ट ना हो। प्रोडक्ट सेफ्टी, फॉर एग्जाम्पल, अ कंपनी में बी एबल टू सेव मनी, कि कंपनी का पैसा तो बच रहा है क्योंकि वो प्रोडक्ट सेफ्टी को इतना ध्यान में नहीं रखती, पर वो चीज एथिकल नहीं है जब वो कंज्यूमर्स यूज कर रहे हैं उनके लिए सेफ नहीं है, तो ये भी एक चीज हो सकती है। ये भी कंफ्लिक्ट आ गया ना इकोनॉमिक्स और एथिक्स के बीच में। उसके अलावा अनफेयर प्राइसिंग, कई बार क्या होता है कंपनी की ना मोनोपोली होती है, या कंपनी क्या होती है प्राइस लीडर होती है, अपना मन चाहा प्राइस चार्ज कर लेती है, वो कंपनी के लिए फायदा है बट वो चीज एथिकल नहीं है। उसके अलावा डिस्क्रिमिनेशंस, कंपनी कई बार क्या करती है डिस्क्रिमिनेशंस करती है हायरिंग में, प्रमोशन प्रैक्टिसेस में, बट वो एथिकल नहीं है क्योंकि हमें पता है कि हमें हर एक इंडिविजुअल को इक्वली और फेयरली ट्रीट करना है। समझ आया? तो ये चीजें एथिकली कंफ्लिक्ट्स आ सकते हैं बिटवीन इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू एंड एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू। ये जस्ट मैंने 5 पॉइंट्स मेंशन करे हैं, आप जितने मर्जी पॉइंट्स मेंशन करके आ सकते हो सोच के एग्जाम में, ठीक है, कि कई चीजें कैसे हम कर सकते हैं। अब एथिकल डिलेमा क्या होता है और एथिकल डिलेमा के एग्जाम्पल्स क्या है। एथिकल डिलेमा, अगर हम जनरल टर्म्स में बात करें ना, डिलेमा क्या होता है, डिलेमा मतलब कंफ्यूजन सा हो जाना, आपके पास दो कंफ्लिक्टिंग सिचुएशंस हो जाना कि इनमें से क्या चूज करूं, यार मैं ये करूं या ये करूं, दैट इज अ सिचुएशन ऑफ डिलेमा। तो इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव या ऑर्गेनाइजेशन पर्सपेक्टिव में क्या हो सकता है कि उनके पास चॉइस आ सकती है बिटवीन टू कंफ्लिक्टिंग मॉरल प्रिंसिपल्स। सो एथिकल डिलेमा पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है, प्रोफेशनली भी हो सकता है, सोसाइटल भी हो सकता है। कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे मेंशन करी है कि यार हम ऑनेस्ट रहें या लॉयल रहें, प्राइवेसी वर्सेस सेफ्टी, उसके अलावा प्रॉफिटेबिलिटी वर्सेस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑटोनॉमी वर्सेस बेनिफिएंस, फेयरनेस वर्सेस सेल्फ इंटरेस्ट। तो बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती है लाइफ में और ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे भी जब ऑर्गेनाइजेशंस क्या फेस करती हैं, एथिकल डिलेमा। फॉर एग्जांपल, किसी को चॉइस हो कि वो उसको ऑनेस्ट रहना है या फिर लॉयल रहना है कि रिपोर्ट करे अनएथिकल बिहेवियर को बाय अ कुलीग, या फिर लॉयल रहना है उसके लीग के साथ। तो ऑनेस्ट और कुलीग के बीच में मतलब लॉयलिटी के बीच में कंफ्लिक्ट आ जाएगा ना, कि आपका दोस्त है पर आपको पता है कि वो गलत कर रहा है, तो आपको उसके साथ अपनी दोस्ती निभाओगे ऑनेस्टली या लॉयल रहोगे, तो ये डिलेमा आ जाता है। प्राइवेसी या सेफ्टी, फॉर एग्जाम्पल, अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर मे बी फेस्ड विद अ सिचुएशन व्हेन दे मस्ट डिसाइड वेदर टू ब्रीच अ पेशेंट्स कॉन्फिडेंशियलिटी टू प्रोटेक्ट द सेफ्टी ऑफ अदर्स, कि वो एक पेशेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी को प्रोटेक्ट करेगा टू फॉर द सेफ्टी ऑफ अदर्स, उसको ऐसा करना चाहिए या नहीं। उसके अलावा कई बार क्या होता है कि हम प्रॉफिटेबिलिटी देखें या फिर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे मैंने ऊपर आपको इन्वायरमेंट वाले एग्जाम्पल दी, सेम एग्जाम्पल। उसके अलावा आपको एक सिचुएशन आ सकती है पेशेंट्स ऑटोनॉमी, कि आप उनका खुद का डिसीजन वो खुद ले, या फिर ऑब्लिगेशन टू डू व्हाट्स बेटर इन द पेशेंट्स इंटरेस्ट।
तो ये भी चीजें देखनी पड़ती हैं कई बार, फेयरनेस और सेल्फ इंटरेस्ट के बीच में भी हमें डिसीजन लेना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको चूज करना पड़े प्रमोटिंग एन एम्प्लॉय बेस्ड ऑन देयर क्वालिफिकेशंस या फिर लेस क्वालिफाइड एम्प्लॉय को आप प्रमोट कर दो क्योंकि आपको जस्ट फ्रेंड है, तो आप उसमें फेयरनेस देखोगे, आपका अपना रिलेशन देखोगे उस बंदे के साथ। सो बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जिसमें एथिकल डिलेमा आ जाता है, मतलब क्लियर हो रहा है ना? तो इतना ज्यादा रट्टा नहीं मारना है, सिर्फ मतलब समझ लो, अपने आप आंसर्स आप बना सकते हो, एग्जांपल्स लिख दो, मीनिंग लिख दो, फीचर्स बना दो, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस कुछ मर्जी चैलेंजेस आप हेडिंग्स बना देना, मतलब समझ लो, ठीक है? इतना टाइम वेस्ट मत करो चीजों को लर्न करने में, ताकि अभी हमारी राइटिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, ठीक है? सो सॉल्विंग एथिकल डिलेमा, अब एथिकल डिलेमा की सिचुएशन आ गई, अब हमें क्या करना है, एथिकल डिलेमा को सॉल्व करना है, विच इज आवर नेक्स्ट टॉपिक। सॉल्विंग द एथिकल डिलेमा मतलब आपको थॉटफुली और सिस्टमैटिक अप्रोच के साथ उस डिलेमा को सुलझाना है। सो आप एथिकल डिलेमा को कैसे एड्रेस करोगे, आपको देखोगे इज इट अ पॉलिसी डिसीजन और एन एक्शन, जो भी आपका चीज है वो पॉलिसी है, डिसीजन है या एक्शन है। उसके बाद देखोगे जो आप कर रहे हो एथिकल है या नहीं है। उसके बाद आपको क्या क्या क्राइटेरिया देखना है, आपको यूटिलिटी देखनी है कि क्या उसके बेनिफिट्स है ओवर इट्स कॉस्ट, और क्या उससे ह्यूमन के जो राइट्स है वो रिस्पेक्ट हो रहे हैं, क्या मतलब आप बेनिफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हो, सबके साथ जस्टिस कर पा रहे हो, ये सब चीजें आप स्किप कर सकते हो। बट ये वाले जो पॉइंट्स अभी मैं नेक्स्ट बताने जा रही हूँ, इसको आप स्किप मत करना, इन पॉइंटर्स को थोड़ा सा लर्न कर लेना, क्योंकि देखो जब सॉल्विंग एथिकल डिलेमा आ जाता है ना, तो हम ये पॉइंटर्स लर्न करके जाएंगे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि वहां पे ऑन द स्पॉट हमारे पास नहीं बनेंगे। तो सबसे पहले आपको प्रॉब्लम को समझना है, मतलब आपको डिलेमा को समझना है कि किस चीज के बीच में कंफ्लिक्ट है। उसके बाद आप ऑब्वियसली आपको समझ आ गया कि मुझे इस चीज के बीच में कंफ्लिक्ट है, प्रॉफिटेबिलिटी वर्सेस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा लो फॉर द टाइमिंग। उसके बाद आप दोनों चीजों की इन्फॉर्मेशन गैदर करोगे कि क्या क्या आपके पास रेलेवेंट फैक्ट्स हैं, डाटा है, ताकि आप एक अच्छा डिसीजन ले पाओ स्टेप बाय स्टेप। देन आप उसके पॉसिबल सॉल्यूशन देखोगे कि क्या कर सकते हो, कैसे कैसे आप रिस्क को कम कर सकते हो, दोनों चीजों के बेनिफिट सोचोगे, दोनों चीजों के सब चीजें सोचोगे, देन सबको इवैल्यूएट करोगे, देन बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन को चूज एंड इंप्लीमेंट करोगे, देन उसको मॉनिटर एंड इवैल्यूएट करोगे। ये नहीं उस पर अड़े रहे, कभी लगा कि फ्यूचर कोर्स में उसको एडजस्टमेंट्स करनी है तो उसको कर दोगे। तो सॉल्व आप कैसे करोगे, सॉल्व आप सिस्टमैटिक स्टेप से करोगे और थॉटफुल अप्रोच से करोगे, समझ आ गया? तो आप प्रॉपरली सोचोगे जब भी आपको कोई एथिकल डिलेमा को सॉल्व करना है, ठीक है? अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैनेजेरियल इंटीग्रिटी, है ना? तो कई बार क्या होता है, मैनेजेरियल इंटीग्रिटी बहुत ज्यादा जरूरी होती है जब भी हमें एथिकल डिसीजन मेकिंग करनी होती है, क्योंकि आपको पता है कि आपको अपनी लाइफ में, मैनेजमेंट में हमेशा क्या करनी है, एथिकल प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज को लगाना है, ताकि आपकी डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेशन, बिहेवियर सब कुछ अच्छा हो। सो मैनेजेरियल इंटीग्रिटी एंड डिसीजन मेकिंग गो हैंड इन हैंड, आप ये टर्म अच्छी है, यूज कर सकते हो, मैनेजेरियल इंटीग्रिटी एंड डिसीजन मेकिंग गो हैंड इन हैंड, क्योंकि व्हेन मैनेजर्स प्रायोरिटाइज देयर एथिकल बिहेवियर और वो सारी चीजें ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंक्लाइन करती हैं, तभी ही सारी स्टेक होल्डर्स का भला होता है। तो ये अगर क्वेश्चन आ जाता है मैनेजेरियल इंटीग्रिटी एंड डिसीजन मेकिंग, ऐसा जिसमें कुछ लिखने वाला या कुछ समझाने वाला नहीं है, आपको अपनी तरफ से ही पॉइंटर्स बनाने पड़ेंगे, एज सच कोई इसमें प्रिंसिपल्स या कुछ ऐसे लर्न करके मत जाना, ठीक है? ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है इस यूनिट में से, दैट इज एथिकल लीडरशिप। अब एथिकल लीडरशिप क्या होता है, तो एथिकल लीडर का मतलब होता है कि जो आपका लीडर है वो एथिकल है, सिंपल टर्म्स में तो ये मतलब हुआ ना कि जो लीडरशिप है दैट इज एथिकल, तो मतलब वो लीड कर रहा है, प्रैक्टिस ऑफ लीडिंग हो रही है विद इंटीग्रिटी एंड एथिकल प्रिंसिपल्स। तो जो लीडर है वो प्रॉपरली फेयरनेस, जस्टिस और वेलबींग ऑफ अदर्स को देख के चल रहा है, ठीक है? तो वो भी अपने खुद तो लेके ही चल रहा है, खुद तो कमिटेड ही है फेयरनेस को, जस्टिस को, वेलबींग ऑफ अदर्स को, साथ के साथ ऑब्वियसली लीडर जब भी होगा तो उसके फॉलोअर्स भी जरूरी होंगे, तो लीडर के जो फॉलोअर्स हैं उनको भी इनकरेज कर रहा है कि वो वैल्यूज के अकॉर्डिंग एक्ट करें। सो क्या क्या प्रिंसिपल हो सकते हैं एथिकल लीडर के, अगर आप देखो खुद ही कि वो बंदा एथिकल है, वो लीडर एथिकल है, तो उसके पास इंटीग्रिटी होगी, रिस्पेक्ट होगी, रिस्पॉन्सिबल होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, अकाउंटेबल होगा, जो भी उसकी डिसीजन मेकिंग होगी वो एथिकल होगी, करेजियस होगा, एम्पैथी रखेगा, मतलब अपने आप को दूसरों के शूज में रख के सोचेगा कि अगर मैं उसकी सिचुएशन में होता तो मैं कैसे सोचता, है ना? तो यही सारे प्रिंसिपल्स हो गए एथिकल लीडरशिप के, कोई हार्ड एंड फास्ट चीज नहीं है। तो एथिकल लीडरशिप आ गया, तो आप इसका मीनिंग समझा देना, प्रिंसिपल्स बता देना अपनी तरफ से बना के एथिकल लीडर के, क्लियर हो गया ना? इंटीग्रिटी, रिस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, एथिकल डिसीजन मेकिंग, करेज, एम्पैथी। अब उसके बाद आप डिफरेंस लिख सकते हो कि क्या डिफरेंस है एथिकल लीडर का और अनएथिकल लीडर का। तो आई डोंट गेस कि मुझे ये समझाने की जरूरत है, बट एक बार मैं ओवरव्यू से बता देती हूँ, एथिकल का बता देती हूँ। अब जो एथिकल लीडर है वो ऑब्वियसली अपने फॉलोअर्स को क्या करेगा, सर्व करेगा, और अनएथिकल सिर्फ अपने पर्सनल नीड्स के बारे में सोचेगा। एथिकल वाला हर एक चीज को बैलेंस आउट करने की सोचेगा, और ऑन द अदर हैंड अनएथिकल हमेशा अपने पार्टनर्स को फेवर करेगा। एथिकल वाले का एक विजन होएगा कि हाँ हमें अच्छे से काम करना है, उसका मतलब होएगा जस्ट पर्सनल विजन होएगा, और वो कंसिस्टेंट वे में एक्ट करेगा, उसका सिर्फ पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स होंगे अनएथिकल वाले में।
एथिकल वाला विलिंग टू टेक रिस्क होगा और जो अनएथिकल वाला वो ज्यादातर डिसीजन से दूर ही रहेगा। उसमें वो टाइमली डिस्क्लोजर्स करेगा, उसमें वो चीजें छुपाएगा अनएथिकल वाले में, और वो बायस फॉलोअर्स होंगे। इसमें वो क्रिटिकल इवैल्यूएशन को इनकरेज करेगा कि अगर कोई बुराई कर रहा है तो हमें उन चीजों से सीखना चाहिए, और इसमें उसको एगो कि अगर कोई क्रिटिसिज्म कर रहा है प्लीज मेरे से दूर ही रहो, तो अनएथिकल वाला ऐसा होगा। तो ये अपने आप पॉइंट्स बना देना, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, आप इजिली पॉइंट्स बना सकते हो। तो आपको टॉपिक्स समझ के चलना है, ठीक है। एथिकल लीडर समझ आ गया, मीनिंग समझ आ गया, प्रिंसिपल समझ आ गया, डिफरेंस लिख सकते हो एथिकल लीडर और अनएथिकल लीडर का, और वो प्रॉपरली यूज करेगा कोचिंग ट्रेनिंग मेंटरिंग वगैरह। उसका मतलब है जो अनएथिकल वाला है वो हमेशा क्या कोशिश करेगा कि अपने फॉलोअर्स को वीक बनाए और अपने ऊपर डिपेंडेंट करे, अपने लीडर के ऊपर डिपेंडेंट करे। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पर्सनल इंटीग्रिटी एंड डेवलपमेंट। इसमें से भी कुछ भी लर्न नहीं करके जाना है, पर्सनल इंटीग्रिटी एंड डेवलपमेंट, कोई टॉपिक इसमें लर्न नहीं करना, सिर्फ समझ लो। पर्सनल इंटीग्रिटी एंड सेल्फ डेवलपमेंट का मतलब होता है कि आप पर्सनली कितने इंटीग्रेटेड हो एज अ पर्सन, अपने आप को आप अपने बारे में कितना सेल्फ अवेयर हो, अपने वैल्यूज बिलीव्स के बारे में कितनी आपको क्लियर सेंस है। मतलब एक होता नहीं कि मैं अगर मैंने कोई कमिटमेंट कर दी तो लाइक मैं बहुत ज्यादा कमिटेड हो जाता हूँ उस चीज को, तो आप कितने सेल्फ अवेयर हो, आप अपने वैल्यूज को प्रिंसिपल्स को, आपने एक बार जो डिसीजन ले लिया आप कभी वापस नहीं आते, तो मतलब दैट इज लाइक आप कितने सेल्फ डेवलपमेंट के बारे में सोचते हो, खुद को कब इम्प्रूव करते रहते हो, और क्या आपका क्लियर सेंस ऑफ पर्सनल वैल्यू एंड बिलीफ है, एंड आप उन एक्शंस के साथ अलाइन भी रहते हो, ठीक है। सो क्या चीजें, क्या एस्पेक्ट्स हम कंसीडर कर सकते हैं इन द केस ऑफ पर्सनल इंटीग्रिटी एंड सेल्फ डेवलपमेंट। तो पर्सनल इंटीग्रिटी क्या होता है, पर्सनल इंटीग्रिटी की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या आपकी कोर वैल्यूज हैं, क्या कोर बिलीव्स हैं, अपने बारे में आप क्या सोचते हो, क्या आप अपनी रिफ्लेक्शन सोचते हो, क्या आप कंटिन्यूसली लर्न या ग्रो करते रहते हो, जो आप डिसीजन लेते हो क्या वो एथिकल लेते हो, क्या आपने लोगों के साथ अच्छा ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी बनाई है, क्या आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करते हुए चलते हो, कितना आप चेंज को इजीली अडॉप्ट कर लेते हो, और कैसे आप मॉडलिंग करते हो ऑफ पर्सनल इंटीग्रिटी फॉर अदर्स। तो ये जनरल मतलब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो पर्सनल इंटीग्रिटी एंड डेवलपमेंट है, दैट मीन्स डेवलपमेंट का मतलब हो गया सेल्फ डेवलपमेंट, और उसके बाद जो पर्सनल इंटीग्रिटी है मतलब आपको कितना क्लियर सेंस है अपने वैल्यूज और अपने बिलीफ्स पर, और आपकी सेल्फ अवेयरनेस क्या है, दैट इज योर पर्सनल इंटीग्रिटी। तो इसके बारे में कोई ऐसा टॉपिक नहीं है, जनरली आपको मैंने कुछ टर्म्स बता दी लाइक कंटिन्यूअस लर्निंग एंड ग्रोथ, सेल्फ अवेयरनेस एंड रिफ्लेक्शन, योर कोर वैल्यूज एंड बिलीव्स, कितना आप बैलेंस करते हो चीज़ों को, कितना अडेप्ट करते हो, और कैसे आप ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी बिल्ड करते हो। इसके अलावा कोई भी पॉइंटर्स किसी भी सेंस में, जैसे भी क्वेश्चन फुटअप होगा उस सेंस में लिख के आ सकते हो। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है विजडम बेस्ड लीडरशिप। ऊपर हमने पढ़ा था, ऊपर हमने कौन सी लीडरशिप पढ़ी थी, ऊपर हमने एथिकल लीडरशिप पढ़ी थी, अब हम पढ़ रहे हैं विजडम बेस्ड लीडरशिप, ठीक है, क्लियर हो रहा है यहाँ तक। तो विजडम बेस्ड लीडरशिप का मतलब होता है, देखो आप ये टर्म लिख सकते हो कि जो विजडम है दैट इज इक्वल टू रीजन प्लस इंट्यूशन, कि जो आपकी विजडम है दैट इज इक्वल टू रीजन प्लस इंट्यूशन, कि जो आप की इंट्यूशंस हैं और जो आप रीजनिंग देते हैं उससे आपकी विजडम बनती है, और जो इंट्यूशन है वो रैशनल एनालिटिक भी हो सकती है या इंट्यूटिव क्रिएटिव भी हो सकती है। तो इंट्यूशन कैन बी रैशनल एनालिटिक और इंट्यूटिव क्रिएटिव। तो ये इक्वेशन ये रिप्रेजेंट करती है कि दैट विजडम इज इक्वल टू रीजन प्लस इंट्यूशन, कि जो विजडम है दैट इज अ रिजल्ट ऑफ रैशनल एनालिटिक थिंकिंग प्लस इंट्यूटिव क्रिएटिव थिंकिंग। जो मतलब आप रीजन देते हो दैट इज ऑब्वियसली रैशनल एनालिटिक थिंकिंग, एंड जो आप इंट्यूशन करते हो वो क्रिएटिव थिंकिंग हो गया। सो विजडम अराइज होती है एज अ रिजल्ट ऑफ रैशनल थिंकिंग एज वेल एज क्रिएटिव थिंकिंग। सो विजडम बेस्ड लीडरशिप का मतलब होता है कि जो आप लीडरशिप कर रहे हो अपनी नॉलेज एंड एक्सपीरियंस दोनों चीजों के बेसिस पे कर रहे हो, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप नॉलेज आ जाती है तो आप रैशनलाइज करने लगते हो और एक्सपीरियंस के साथ क्रिएटिविटी भी आ जाती है। सो विजडम बेस्ड लीडरशिप इन्वॉल्व्स यूजिंग वंस नॉलेज एंड एक्सपीरियंस टू मेक वाइज डिसीजंस, एंड ऑब्वियसली जब आप लीडरशिप करोगे तो दूसरों को गाइड करोगे, जो भी आउटकम्स होंगे वो पॉजिटिव होंगे। सो इट इज अ बेस्ड ऑन एन आइडिया दैट विजडम इज नॉट जस्ट अ प्रोडक्ट ऑफ इंटेलिजेंस। इसमें सिर्फ इंटेलिजेंस इन्वॉल्व नहीं होती विजडम में, साथ ही साथ आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस, एम्पैथी, एबिलिटी टू सी चीजें फ्रॉम मल्टीपल परस्पेक्टिव, कि आप सिर्फ एक नजरिए से नहीं सोचते, मल्टीपल चीजों के बेसिस पे सोचते हो। तो जब आप विजडम बेस्ड लीडरशिप की बात करोगे ना, इसमें कुछ की एस्पेक्ट्स आएंगे। एक तो आपका एक्सपीरियंस, आप तभी एक अच्छे विजडम बेस्ड लीडर बन पाओगे जब आपको वैरायटी ऑफ सिचुएशन और चैलेंजेस आपने वाकई में लाइफ में देखे होंगे। दूसरा, आपके पास इमोशनल इंटेलिजेंस हो, हाई इमोशनल इंटेलिजेंस वाले लोग ही दूसरों की भावनाओं को समझ पाते हैं। उसके अलावा आप ह्यूमिलिटी हो आपके अंदर, मतलब आप हम्बल हो, ठीक है, एंड आप प्रॉपर फीडबैक दें, और हमेशा अगर आप खुद गलती कर रहे हो, खुद रॉन्ग हो, तो उसको आप एडमिट करो, लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव लेके चल रहे हो और फोकस कर रहे हो वैल्यूज पे। तो कुछ की एस्पेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं विजडम बेस्ड लीडरशिप के, एक्सपीरियंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, ह्यूमिलिटी, लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव एंड फोकस ऑन वैल्यूज।
तो अगर आपको विजडम बेस्ड लीडरशिप आ जाता है, आप ये समझा के आ सकते हो कि विजडम बेस्ड लीडर कौन होता है, दैट विजडम इज इक्वल टू रीजन प्लस इंट्यूशन, ऐसे ऐसे समझा के आ सकते हो। करेक्टर्स बता सकते हो कि जो विजडम बेस्ड लीडरशिप है उनको सेल्फ अवेयरनेस होती है, वो इमोशनल थिंकिंग पे जाते हैं, कंटिन्यूसली लर्न करते रहते हैं, एथिकल चीज़ों को फॉलो करते हैं, लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हैं, ह्यूमिलिटी होती है, प्रॉपर फीडबैक देते हैं, एम्पथी एंड कंपैशन होता है, उनका विजन एंड पर्पस होता है। सो ये जस्ट बेसिक सी चीज़ है, अगर आपको समझ आ गई आप अपने आप उनके करेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हो विजडम बेस्ड लीडर के, कि उनके पास एक्सपीरियंस होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस होती है, ह्यूमिलिटी होती है, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव होता है, फोकस करते हैं वैल्यूज के ऊपर, उसके अलावा क्रिटिकल थिंकिंग होती है, रैशनल थिंकिंग होती है, इंट्यूटिव होते हैं, ठीक है, मॉरल प्रिंसिपल्स के पे बेस्ड होते हैं, अच्छे डिसीजंस लेते हैं। तो आप ये सब लिख देना, ठीक है, सेम ही चीजें हैं, हर एक चीज में कुछ ऐसा डिफरेंट नहीं है। अब हमारा एथिक्स वाले जो मेन कंसेप्ट है वो खत्म हो गए, अब हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो फिर करें स्टार्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस। चलो, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जो भी कॉर्पोरेट काम करती है उसको गवर्न किया जा रहा है, मतलब कॉर्पोरेट की जितने भी फंक्शनिंग्स हैं, जो भी वो रूल्स हैं, गोल्स हैं, उनको गवर्न किया जा रहा है। गवर्न का मतलब है एक सिस्टम है रूल्स का, प्रैक्टिसेस का, प्रोसेसेस का, कि जो भी कंपनी करती है उसको डायरेक्ट एंड कंट्रोल किया जाता है। आपको पता है कंपनी की जो रिलेशन है वो कंपनी के मैनेजमेंट के साथ भी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ भी है, शेयर होल्डर्स के साथ भी है और अदर स्टेक होल्डर्स के साथ भी है, और साथ में ही कंपनीज के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स होते हैं, तो उन सबको क्या किया जाता है? मॉनिटर किया जाता है। तो जब भी कंपनी को डायरेक्ट एंड कंट्रोल किया जाएगा, दैट वुड बी अ पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो गवर्नेंस की क्यों जाती है? ऑब्वियसली अगर गवर्नेंस नहीं होगी तो कंपनी क्या करेंगी, कॉर्पोरेट्स क्या करेंगे, अपनी मनमानी करेंगी। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? ऑब्जेक्टिव्स लिख सकते हो या गोल्स लिख सकते हो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के आप हेडिंग्स बना के, ट्रांसपेरेंसी के लिए, अकाउंटेबिलिटी के लिए, फेयरनेस के लिए, इंटीग्रिटी के लिए, ताकि ऑर्गेनाइजेशन में इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, फेयरनेस ये सब बनी रहे, ताकि जो कंपनी है, कंपनी की मैनेजमेंट है, वो इस तरह एक्ट करे कि जो जितने भी शेयर होल्डर्स या स्टेक होल्डर्स हैं उनकी लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी बनी रहे और उनके बेस्ट इंटरेस्ट में कंपनी एक्ट करे। तो बहुत लॉन्ग हिस्ट्री चलती आई है कॉर्पोरेट गवर्नेंस की और बहुत सारे मॉडल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के, ठीक है। तो मेन क्या है, देखो पहले अर्ली कॉर्पोरेट फॉर्म्स होती थी, मतलब इसका अगर हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस का वो देखें ना, एवोल्यूशन उठा के देखें, तो रोम से और मिडिवल यूरोप से चलता आ रहा है। तो ये 17 और 18 सेंचुरीज में इमर्ज हुई थी, जब डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी या कोई भी कंपनीज आई थी तो उनको कंट्रोल करने के लिए थोड़ा सा अर्ली कंसेप्ट स्टार्ट हुआ था। उसके बाद 19 और 20 सेंचुरी में, ये इतना ज़्यादा एवोल्यूशन है हिस्ट्री करने की जरूरत नहीं है, ये हम वैसे भी एग्जाम में अटेम्प्ट नहीं करने वाले, तो एक ब्रीफ आइडिया दे दूँ, वो भी इन द केस ऑफ इमरजेंसी। वैसे हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, हिस्ट्री वगैरह हम इतना नहीं करने वाले, जस्ट फॉर द बैकअप ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद अर्ली कॉर्पोरेट ऑप्शंस में 17 और 18 सेंचुरी से ही थोड़ा इमर्जेंस स्टार्ट हो गया था। उसके बाद शेयर होल्डर्स की जो वेल्थ है उसको मैक्सिमाइजेशन करने का ट्रेंड स्टार्ट हुआ। तो 19 और 20 सेंचुरी में डोमिनेंट मॉडल्स आए कि कैसे जो शेयर होल्डर है, मेन हमारा मुद्दा क्या है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस करनी क्यों है? ताकि सारे स्टेक होल्डर्स का जो बेस्ट इंटरेस्ट है वो मैक्सिमाइज हो पाए, राइट। तो ऑब्वियसली नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या आई होगा, शेयर होल्डर को वेल्थ को मैक्सिमाइज करना, कि कैसे प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे ले सकते हैं कि जो भी शेयर होल्डर्स की वैल्यू है उसको मैक्सिमाइज करें और सारे शेयर होल्डर्स या स्टेक होल्डर्स को कंसीडर करें। पहले तो शेयर होल्डर थ्योरी आई, उसके बाद कौन सी थ्योरी आई, स्टेक होल्डर। उसके बाद ये आने लगा कि उनको जस्ट स्टेक होल्डर्स के बारे में नहीं सोचना, दे शुड थिंक बियॉन्ड द स्टेक शेयर होल्डर्स फॉर द स्टेक होल्डर्स। पहले शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन आया, देन स्टेक होल्डर आया, कि उन्हें सारे के सारे स्टेक होल्डर्स के बारे में सोचना है, इंप्लॉयज के बारे में, कस्टमर्स के बारे में, सप्लायर्स के बारे में, कम्युनिटीज के बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में। देन उससे भी वाइडर कंसेप्ट आया कि सोसाइटी के बारे में भी सोचो यार, सारे स्टेक होल्डर्स के बारे में सोचते जा रहे हो सिर्फ तुम लोग। तो उसके बाद आया कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कंसेप्ट इन द लेट 20th सेंचुरी, कि उनको सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में नहीं फोकस करना। अब स्टेक होल्डर्स का जब हम भला करेंगे ऑब्वियसली ज्यादातर हम प्रॉफिटेबिलिटी पे ही फोकस करेंगे, भाई आप सोसाइटी के बारे में सोचो, सोसाइटी के इंपैक्ट के बारे में सोचो, तो बिजनेस को कैसे एक्ट करना है, एथिकली एक्ट करना है और सारे सोशल इश्यूज को और एनवायरमेंटल इश्यूज को साथ में कंसीडर करके चलना है। तो उसके बाद एक आई थ्री ट्रिपल बॉटम लाइन अप्रोच, जिसका मतलब है उनको अपना बियॉन्ड फाइनेंशियल रिजल्ट सोचना है, उनको तीन डायमेंशन लेके चलनी है, इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल। इकोनॉमिक तो चल ही रही थी प्रॉफिटेबिलिटी वाली, इससे पहले CSR आ गया था कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो सोशल भी आ गया, तो इसमें क्या ऐड हो गया, इन्वायरमेंटल ऐड हो गया ट्रिपल बॉटम लाइन में, कि हमें इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को भी कंसीडर करना।
देन लास्टली एवोल्यूशन में क्या हुआ, आया शेयर्ड वैल्यू अप्रोच. शेयर्ड वैल्यू माइकल पोर्टल एंड मार्क क्रैमर ने दी थी 2011 में. उन्होंने सजेस्ट किया कि उनको ऐसी इकोनॉमिक वैल्यू क्रिएट करनी है जिसमें वो साथ में एड्रेस करें सोशल एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस को. मतलब ये सबसे वाइड वाली अप्रोच थी जिसमें बिजनेस सक्सेस और सोशल प्रोग्रेस को साथ में अलाइन कर दिया गया कि बिजनेस के जो इंटरेस्ट हैं वो ऐसे हों जो सोसाइटी के साथ अलाइन हो. तो उन्होंने क्या कहा कि ऐसे गोल्स बनाओ जो कि लीगल और रेगुलेटरी हो. डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में ये सब चीज़ें वेरी करती हैं. सो मेजर यहाँ पे हमारा क्वेश्चन था व्हाट आर द हिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट फॉर्म्स, कि कॉर्पोरेट चीज़ें कैसे कैसे आई, कि कैसे कैसे बनी. तो अर्ली कॉर्पोरेट फॉर्म्स थी, देन शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन थ्योरी आई, देन उसके बाद स्टेक होल्डर थ्योरी आई, कॉर्पोरेट सोशल गवर्नेंस आई, ट्रिपल बॉटम लाइन आई, शेयर्ड वैल्यू अप्रोच आई. ठीक है, उसके बाद अब आपको पता है कि कॉर्पोरेट्स में हम सिर्फ स्पेसिफिकली कंपनीज के बारे में ऐसा बात नहीं करते. जो ऑनरशिप पैटर्न है ना, ये आप अकाउंट्स में बहुत बार पढ़ते हो कि अलग अलग तरह का हो सकता है ना. हमने बहुत बार अकाउंट्स में पढ़ा ऑनरशिप पैटर्न, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है. तो आप हमेशा से अकाउंट्स वगैरह में पढ़ते आ रहे हो कि जो ऑनरशिप पैटर्न है वो अलग अलग तरह की हो सकती है. ओवरव्यू दे देती हूँ इस टॉपिक का कि ऑनरशिप का जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग हो सकता है. सो कैसे उनकी लीगल राइट्स है, क्या कंट्रोल है, क्या शेयर्स वगैरह, उस बेसिस पे हम अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ एंटिटी एंड द स्पेसिफिक लीगल फ्रेमवर्क. सो क्या क्या ऑनरशिप पैटर्न्स हो सकते हैं, हम हमेशा से पढ़ रहे हैं. सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, कॉर्पोरेशन, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, कॉर्पोरेट, फ्रेंचाइज, ज्वाइंट वेंचर, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं. सो ये सारे क्या है, ऑनरशिप पैटर्न्स है. सोल प्रोप्राइटर क्या होता है, हम इतने सालों से पढ़ते आ रहे हैं, ओवरव्यू सा ले लो दोबारा से. सोल प्रोप्राइटर क्या है, जो सिंगल ऑनर है, इंडिविजुअल ऑन कर रहा है और उसकी जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है, उस केस में उसका ही फुल कंट्रोल होता है, फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. जो पार्टनर्स है उसमें उनकी पार्टनरशिप डीड बनी होती है, टू और मोर इंडिविजुअल साथ में मिलकर काम कर रहे होते हैं, ठीक है, और वो सारे प्रॉफिट्स और लाइबिलिटीज को शेयर करते हैं. और कुछ पार्टनर्स की लिमिटेड लाइबिलिटी भी हो सकती है, और यूजुअली पार्टनर्स की क्या होती है, लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है. कॉर्पोरेशन क्या होती है, कॉर्पोरेशन को हम सेपरेट, जिसे हम कंपनी के नाम से भी जानते हैं, पब्लिक भी हो सकती है, प्राइवेट भी हो सकती है. और जो कॉर्पोरेशन है वो आर्टिफिशियल एंटिटी हम मानते हैं, लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी मानते हैं. और वो ओन द स्टॉक भी हो सकता है, या उनकी ऑनरशिप होती है कंपनी में. शेयर होल्डर्स अपॉइंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो कंपनी के बिहाफ पे डिसीजंस लेते हैं. अब लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी क्या होता है, सो दिस इज अ काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ अ पार्टनरशिप एंड कॉर्पोरेशन. सो ऑनर्स अपने आपको मेंबर्स कहते हैं, और उनकी जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, एंड दे हैव द फ्लेक्सिबिलिटी टू. सो ये कंपनी और साथ ही साथ कॉर्पोरेशन और कंपनी का एक पार्टनरशिप का एक कोलैबोरेशन है. सो हमें ऑनरशिप टाइप्स हम बचपन से पढ़ रहे हैं, सोल प्रोप्राइटर हो गया, पार्टनरशिप हो गई, कॉर्पोरेशन हो गया, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी हो गई. उसके बाद कॉपरेटिव. कॉपरेटिव क्या होता है, कॉपरेटिव इज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय इंडिविजुअल्स हु यूज इट्स सर्विसेज और वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. तो कॉर्पोरेट में यूजुअली जो कॉपरेटिव्स बनाते हैं, कॉपरेटिव ग्रुप्स बना लेते हैं, वो यूजुअली अपने मेंबर्स के बेनिफिट के बारे में सोचते हैं, ठीक है. फ्रेंचाइज का मतलब क्या होता है, आपने किसी ब्रांड का या किसी बिजनेस का फ्रेंचाइजर बन गए आप, मतलब ओनर बन गए काइंड ऑफ, और आपने ग्रांट्स ले लिए और आप उस मॉडल के अकॉर्डिंग, उस ब्रांड के मॉडल के अकॉर्डिंग अपने आप रन कर रहे हो. तो जो फ्रेंचाइजी है वो मेंटेन करती है ओनरशिप ऑफ द इंडिविजुअल लोकेशन, और जो पूरा का पूरा ओनर होता है दैट इज अ फ्रेंचाइजर. तो फ्रेंचाइजर अपनी फ्रेंचाइजी किसी को दे देता है, मतलब फ्रेंचाइजी को उस लिमिटेड लोकेशन का, उस इंडिविजुअल शॉप का ओनर बना देता है. ज्वाइंट वेंचर क्या है, जब दो तीन कंपनीज या दो तीन बिजनेस प्रोजेक्ट वाले आपस में मिलकर कंबाइंडली काम करें, हालांकि जो ईच पार्टी है उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी, ऑनरशिप एंड कंट्रोल ही रहता है, बट जो भी उनके टर्म्स है उस बेसिस पर वो क्या कर लेते हैं, ज्वाइंट वेंचर कर लेते हैं. ये जो पैटर्न्स हैं इन्हीं कॉम्बिनेशन में चलते रहते हैं, अलग अलग लीगल कंसिडरेशन, लाइबिलिटीज, टैक्स कंट्रोल, ये सब चलता रहता है. सो अगर आपको ऑनरशिप पैटर्न्स आ गया, आप आराम से सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, कॉर्पोरेशन, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, कॉपरेटिव, फ्रेंचाइजी, ज्वाइंट वेंचर, ये सब लिख के आ सकते हैं. नेक्स्ट है इश्यूज इन मैनेजिंग पब्लिक लिमिटेड कंपनी. आपने सुना होगा पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है, मतलब जो गवर्नमेंट्स की बेसिकली कंपनीज होती हैं, पब्लिक फर्म्स होती हैं, पब्लिक कंपनीज होती हैं, पब्लिक कॉर्पोरेशन होती हैं, उनको मैनेज करने में क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं. अभी आपने रिसेंटली एक एयरलाइंस भी देखी होगी जो कि एक पब्लिक लिमिटेड थी, उसने अभी उन्होंने सारा डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया गवर्नमेंट ने. अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मैं किस कंपनी के बारे में बात करूँ, ठीक है. तो गवर्नमेंट क्या करती है, अगर उनको बहुत सारे इश्यूज आते हैं, यूजुअली क्या कर देती है, डिसइन्वेस्टमेंट कर देती है या अपनी कंपनीज को प्राइवेट स्टेक होल्डर्स को सेल कर देती है. सो क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं इन मैनेजिंग अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी. तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी को मैनेज करने में बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं ड्यू टू चैलेंजेस, ड्यू टू देयर साइज, डाइवर्स ओनरशिप या लीगल रिक्वायरमेंट्स, क्योंकि उन्हें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स को मैनेज करके चलना पड़ता है. तो क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं इन मैनेजिंग अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, सारे मुझे कमेंट सेक्शन में दो दो पब्लिक लिमिटेड कंपनी के जनरल एग्जाम्पल्स वैसे भी बताना, ठीक है, क्या क्या हो सकती है. पहला तो है शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशन.
तो शेयर होल्डर्स का बेस जो है वो वाइड है, उनके अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स, अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं, एक्सपेक्टेशंस होती है, तो सबकी एक्सपेक्टेशंस को मीटअप करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। दूसरा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती है, उनको मीटअप करना, डिस्क्लोजर्स करना वो भी मुश्किल हो जाता है। बहुत सारी रेगुलेटरी कंप्लायंसेज होते हैं, उसमें दिक्कत आ जाती है। इन्वेस्टर्स के साथ रिलेशन बनाने में भी दिक्कत आ जाती है, ट्रांसपेरेंसी रखने में दिक्कत आ जाती है, और मार्केट वॉलेटाइलिटी, इसमें भी बहुत दिक्कत आ जाती है कि मार्केट है जो वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, इसके कारण एक्टिविस्ट शेयर होल्डर्स के कारण टैलेंट मैनेजमेंट, आपको पता ही है कि जो आजकल हमारा जो गवर्नमेंट कल्चर है, गवर्नमेंट जॉब का कल्चर है, वो कैसा ही चल रहा है, तो उसके कारण वहाँ पे लोगों से काम करवाना विदाउट एनी मोटिवेशन, वो बहुत डिफिकल्ट चैलेंज है। इसके बाद स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग, की बार बार इतना ज़्यादा पेपर वर्क, रेड टेपिज्म, एक काम करने के लिए इतनी फाइल चलानी पड़ती है, इतना मतलब झंझट, ये सब चीज़ें। उसके बाद गवर्नमेंट कंपनी है तो ऑब्वियसली रेपुटेशन उसकी मार्केट में होती है कि हाँ सरकारी कंपनी है उस टाइप पे, तो रेपुटेशन का रिस्क। उसके अलावा साइबर सिक्योरिटी, डाटा प्राइवेसी, बहुत सारे तरह के रिस्क हो जाते हैं। सो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं जिसकी वजह से क्या करना पड़ता है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी को या तो वाइंड अप करना पड़ता है, या डिसइन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, या प्राइवेट वालों को देना पड़ता है, या मिक्स मैच मॉडल लेके आना पड़ता है। तो बहुत सारी क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं, नंबर वन शेयर होल्डर्स एक्सपेक्टेशन, इश्यूज रिगार्डिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इश्यूज रिगार्डिंग रेगुलेटरी कंप्लायंस, इश्यूज इन मेकिंग बेटर इन्वेस्टर रिलेशंस, रिस्क ड्यू टू मार्केट वॉलेटिलिटी, एक्टिविस्ट शेयर होल्डर्स रिस्क, उसके अलावा टैलेंट को मैनेज करना, मतलब स्टाफ लोगों को रिटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है पब्लिक कंपनीज में, कंपटीशन इतना ज़्यादा है सब, मतलब क्योंकि देखो गवर्नमेंट कंपनीज में जो काम करे इतना ज़्यादा अच्छा सैलरी पैकेज नहीं होता जितना प्राइवेट ऑफर करती है, सो टैलेंट को मैनेज करना बहुत दिक्कत आ जाती है। स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट बनाना, रेपुटेशन रिस्क को कवर करना, डाटा सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, और अगर और भी कोई पॉइंट्स हो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है एजेंसी प्रॉब्लम्स। सो अभी मेरा नेक बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो इसका जो एजेंसी प्रॉब्लम्स वाला है ये हम नेक्स्ट वीडियो से करेंगे। आपको इसका यूनिट 2 का पार्ट 2 भी चैनल पे मिल जाएगा जिसमें रिमेनिंग टॉपिक्स मैं कवर करूँ। एंड आपको अगर एक्चुअल में कंटेंट अच्छा लग रहा है आप कमेंट सेक्शन में अपना व्यू पॉइंट डाल सकते हो। और एक और बात, यूजीसी नेट की नोटिफिकेशन आ गई है, तो जो भी इंटरेस्टेड है वो नोटिफिकेशन फिल कर सकते हैं यूजीसी नेट के रिगार्डिंग, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ, एंड टिल देन स्टे ट्यून्ड, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।